Welcome back to another vlog, guys. You are watching Roaming with Sayed, and आज जो हम मोटो व्लॉग करने जा रहे हैं जी, अभी हम नवल यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ से हम चलेंगे तो हमने जाना है जी शाह अलादिता केव्स। सो गाइज, अगर हम नवल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको पता है कि ये आप जो है फॉरेन लैंग्वेजेस यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो, डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि आप चाइनीज़ सीख सकते हो, अरबिक सीख सकते हो, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन और बहुत सी अदर लैंग्वेजेस जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में बोली जाती हैं। सो गाइज, अभी बेसिकली रमज़ान है और रमज़ान में टाइम भी कुछ सुबह के 10 बजे का है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी। ये सब वही लोग हैं जो किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी वजह से घर से निकले हुए हैं इस टाइम। मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ऐसे मौसम और इतनी कम ट्रैफिक को देख के मुझे पुराना इस्लामाबाद याद आ गया, जब हमारे बचपन में आप कह सकते हो इसी तरह से रोड्स जो हैं वो सुनसान हुआ करती थी और मौसम भी इसी तरह से खूबसूरत होता था। सो थोड़ा सा अगर लोकेशन के बारे में बताता चलूँ तो अभी हम बेसिकली 9th Avenue पे हैं और हमारा जो फेस है वो टुवर्ड्स मार्गला हिल्स है। हम कोशिश करेंगे यहाँ से हम जो है सिग्नल क्रॉस करने के बाद जो PAF वाली रोड है जो कि 9th Avenue के एंड आप जिसको कह सकते हो, यानी कि सामने बिल्कुल जो है एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, हम उस रोड पर ट्रैवल करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम जाएँगे शाह अलादिता केव्स। तो आप लोग साथ रहिएगा। सो गाइज़, ये जो रोड है जो हम क्रॉस करें, ब्लू एरिया रोड है, हमारे राइट साइड पे ब्लू एरिया है एंड लेफ्ट साइड पे F10 मरकज़ या F10 आप कह सकते हो। और अब हम PAF हॉस्पिटल वाली रोड की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और जा रहे हैं। सो गाइज, हमारे जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे F9 पार्क है और इसके बारे में आपको मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा पार्क है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। और ना सिर्फ पार्क बल्कि ये एक पूरे सेक्टर पे इतना बड़ा पार्क बनाया गया है कि पूरा सेक्टर जो है वो कवर्ड करता है। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पे सब आपको F9 पार्क की बाउंड्री नज़र आ रही होगी। और हमारे राइट साइड पे अभी PAF है जी, पाकिस्तान एयरफोर्स, उसकी बाउंड्री भी है, आपको हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा। अच्छी चीज़ ये है कि जनरल पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है, लाइक जो नॉर्मल लोग हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको PAF का मुलाजिम ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लें तो हम F10 की तरफ चले जाएंगे और हमने क्योंकि स्ट्रेट जाना है, पहले हम बेसिकली E11 जाएंगे और फिर वहाँ से आगे हमें जाना है शाह अलादिता केव्स। तो अभी हम स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स E11। तो जो लोग इस्लामाबाद से वो जानते हैं कि ये जो एरिया है पिछले काफ़ी अरसे तक ये जो है कंस्ट्रक्शन का शिकार रहा, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ से प्रॉपरली जो है स्मूथली नहीं गुजर सके होंगे। तो अब ये है कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और ये बेसिकली 11th Avenue है और जिसका ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी ये ब्रिज बेसिकली प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है, अभी ये है कि आप गाड़ी पर सफ़र नहीं कर सकते, पार्शली ओपन है पर ऑब्वियसली थ्रू आउट आप इस पर ट्रैवल नहीं कर सकते। यहाँ से ये रास्ता ब्लॉक है अभी।
और अभी हमें जो है ना यूज़ तो बेसिकली हम दो रोड्स कर सकते थे, एक सर्विस रोड भी और एक ये जो नया 11th एवेन्यू वाला रोड है ये जाता है जी टूवर्ड B17 और रास्ते में जितनी भी सेक्टर्स आते हैं इस्लामाबाद के वहाँ पे ये एग्ज़िट करेगा आने वाले टाइम में। सो अभी फ़िलहाल पार्शली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी अगर आप बाइक चलाते हो तो। सो इस तरह से मट्टी से इन्होंने इस बेसिकली 11th एवेन्यू को ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि आप जो है अपनी गाड़ी पे ट्रैवल नहीं कर सकते। बाइकर्स के लिए ये ज़रा आसानी होती है कि थोड़ा सा भी अगर आपको रास्ता मिले तो आप इजीली क्रॉस करके जा सकते हो। तो इस तरह से जो है मैं ये रास्ता भी क्रॉस कर रहा हूँ और आगे देखते हैं कितनी हर्डल्स मिलती हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया है ये सब E11 का एरिया है, E11 मरकज़ है, बाकी सेक्टर्स है 1, 2, 3, 4 और सर्विस रोड भी आपको थोड़ा नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से मट्टी का जो है ना वो जगह जगह पे आपको ढेर नज़र आता है ताकि आप ड्राइव ना कर सको। सो बाइकर्स ने जगह बनाई भी होती है, आप इजीली अपने बाइक को जो है वो भी फ़िलहाल क्रॉस करके लेके जा सकते हो। तो यार एज अ बाइकर इंजॉय करता हूँ मैं इस तरह के जो है ना छोटी मोटी हर्डल्स अगर आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, बंदा इंजॉय करता है। और बड़ी लश साफ़ सुथरी सी रोड नज़र आ रही है, अभी आने वाले टाइम में अनकरीब जो है कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम इसको इजीली यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे जितना एरिया है ये सब E11 और D12 है और राइट साइड पे शाह अल्लाह दिता और उसके सराउंडिंग एरियाज़ हैं, गांव हैं कुछ। और इस पहाड़ी को देखो किस तरह से खूबसूरती से काटा गया है इस रोड को बनाने के लिए, तो बड़ी खूबसूरत सी ये पहाड़ी नज़र आ रही है और खूबसूरत रास्ता है। यार हम जा तो रहे हैं पर देखते हैं किसी से पूछ लेते हैं कि यार क्या हम जो रास्ता चूज़ किया ये सही भी है, ऐसा ना हो कि यार कहीं और जा रहे हो, चेक करते हैं। तो भाई ने बताया यार कि बिल्कुल यही रास्ता हमें जो है शाह अल्लाह दिता केव्स तक लेके जाएगा और आपको बोर्ड नज़र आएगा, उस बोर्ड से आपने टर्न करना है, देन आप जो है ना मेन एरिया की तरफ जा सकेंगे। यार सच बताओ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बेसिकली ना ये रास्ता पहले जो हम सर्विस रोड यूज़ करते थे तो वो काफ़ी टूटी फूटी थी, मुश्किल होती थी, बट ये है कि इस ये रोड बनने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यार अब जो रास्ता है बड़ा नीट एंड क्लीन हो गया और बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही ये एरिया ओपन हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा हम सब के लिए ट्रैवलिंग के लिए। लकीली यार आज बहुत ही ज़बरदस्त फाइन साफ सुथरा मौसम है और बड़ा अच्छा लग रहा है राइड करते हुए और इसी रास्ते को ट्रैवल करते हुए। और अच्छी चीज़ ये है कि फ़र्स्ट टाइम क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस रास्ते को।
सो ये लेफ्ट पे हमें जो है एक मज़ार नज़र आ रहा है, और मज़ार है शायद ग्रेव यार्ड भी है, कुछ ग्रेव यार्ड कब्रें नज़र आ रही हैं। और यहाँ से अब जो है ना हार्डली कुछ मिनट का डिस्टेंस रह गया है इंशाल्लाह तक केव्स का। तो ये एक और पहाड़ी है जिसको काटा गया है और फिर इस रोड को जो है ना ऐसे बनाया गया। तो इस तरह के बेशुमार, क्योंकि पोटवार रीजन है तो ये चीज़ तो यहाँ पे आम है। सो गाइस अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे और फिर हम जाएंगे सर्विस रोड पे, जो कि हमें लेके जाएगी शाह अल्लाह देता केव्स की तरफ। सो अब हम सर्विस रोड पर जो है इन होने वाले हैं, और हमारे बिल्कुल सामने आप अगर देखो तो हमें ये सारी नर्सरीज हैं, ग्रीनरी होती है, बड़ा खूबसूरत लगता है देखने को, अच्छा लगता है। लेफ्ट साइड पे हमारी सारी ग्रीनरी है और एक किस्म की काफ़ी नर्सरीज बनी हुई है छोटी छोटी। तो अब हम सर्विस रोड पे हैं जी, जो हमेशा अल्लाह देता केव्स की तरफ लेके जा रही है, और ये ऊपर वही ब्रिज है जहाँ से हम अभी घूम फिर के आए हैं। और अब हम जो है छोटे छोटे गांव भी देखेंगे, छोटे छोटे हमें जो है घर नज़र आएंगे खूबसूरत खूबसूरत से, जो कि शाह अल्लाह देता की टेरिटरी में है। यहाँ के लोगों का जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी सादी ज़िंदगी होती है, तो बड़ी हम लोग बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब आप शोर शराबे और ट्रैफिक और सिटी में रहते हो तो आपको ऑब्वियसली ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। बट अगर हम इन लोगों से पूछें तो ऑब्वियसली दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लाइफ, उनको शहर में जाना है। तो बस ये तो ज़िंदगी के मेले हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा शॉप्स हमें नज़र आती हैं, और ये मार्केट भी काफ़ी बड़ी है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी रहने के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो बआसानी आपको यहाँ से मिल जाती हैं, आप ख़रीद सकते हो। और कुछ अर्सा पहले तक ये रोड इतनी बेहतर नहीं थी, अभी बहुत बेहतर कंडीशन में है। आप ये कह लो कि ये सर्विस रोड की भी अगर मैं बात करूं तो ये पहले काफ़ी टूट फूट का शिकार थी, यानी कि यहाँ पे गाड़ी अगर आप लेके आते थे तो आपको मसले मसाइल होते थे। बट ये अब तो साफ़ सुथरी रोड है, इसीलिए आप जो है ये शाह अल्लाह देता केव तक जो है ना जा सकते हो। गाइस हम ऑलमोस्ट जो है वो शाह अल्लाह देता केव्स पहुंचने वाले हैं, और हमारे लेफ्ट एंड राइट पे जो छोटे छोटे घर और आपको जो शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये इसी तरह का काफ़ी सारा एरिया है। तकरीबन होगा 5-7 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो इस गांव वाले एरिया में, एंड देन फिर आप जो है ना केव्स की तरफ आप पहुँच सकते हो। तो दोस्तों हम अब शाह अल्लाह देता केव्स की बहुत ही करीब हैं, और अगर आप शाह अल्लाह देता केव्स के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मैंने उसके लिए कंप्लीट ब्लॉग बनाया हुआ है, वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे है, आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जी शाह अल्लाह देता केव्स, आपको थोड़ा सा जो है ना नज़ारा ये देख सकते हैं। और बाकी ये कि उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाजमी जो है शेयर कीजिए, और अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मज़ीद अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना सकें और मज़ीद जो है ना एक्सप्लोर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रोमिंग विद सैयद, हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।